बदायूं में दो मासूम भाइयों की निर्मम हत्या के बाद इस हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। वहीं साजिश में शामिल बताया जा रहा जावेद अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं जब दो मासूम भाइयों की हत्या को लेकर जब आरोपियों की दादी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जावेद को बेकसूर बताया। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम पत्ता ना है। अच्छा अम्मा, जो साजिद था आरोपी वो कौन था आपका? पोता था। अच्छा, अच्छा। मगर साजिद आरोपी है, जावेद की कोई कमी ना है, जावेद हा ना हुआ। अच्छा। हाँ, जावेद ही मट्टी लगाए। अच्छा अम्मा, जिस तरह साजिद और जावेद का दोनों का नाम आया है तो क्या लग रहा है कि साजिद पहले भी, साजिद का कैसा व्यवहार रहता था? कैसा ना, पूत बदाम काम करते दुकान पर, अब न मालूम इसने कैसा क्या करा, हम संग तो है ना। अच्छा, मगर जावेद ना आया के संग। अच्छा, यह अकेला। अच्छा, आप दादी हैं साजिद की, तो क्या लग रहा है जिस तरह घटना को पूरी अंजाम दिया, क्या चाहे चल रही तांत्रिक का काम भी करता था कुछ क्या? कुछ ना, पूत बार बनाता उस तवे से। अच्छा, दुकान है या कि हुई, दोनों भैया दुकान पर रहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपको जानकारी होगी कि उस बाल बनाने काम करता था, लेकिन दो बच्चों के साथ जो घटना घटित हुई है तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जय कहने चाहिए, बाने करा वही भरेगा। अच्छा। मगर जावेद बची जाए, क्यों वो हो ना हुआ। अच्छा, घर घर जो है घर पूरी तरह से बंद है, आप अकेली घर के बाहर बैठी हैं। हाँ। कहाँ बाकी लोग कहाँ गए सब? उसकी माँ गई है लेन को उसे। अच्छा। और बाप भैया डर के मारे भाग गए। अच्छा। जब तुम बुलाओगे तो भैया। आरोपी साजिद और जावेद जो है कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। क्या क्या नाम है, कौन बड़ा है इनमें? साजिद बड़ा है, जावेद मंजिला है, मुनाजे छोटा है। अच्छा, तो वहाँ जो दुकान पे कौन कौन काम करते थे? जी, जावेद और साजिद। बता दें कि जब साजिद बच्चों के घर गया था तो उसने अपने बीबी की बीमारी और प्रेगनेंसी का जिक्र कर 5,000 रुपए की मांग की थी। हालांकि किसी बहाने वो छत पर गया और दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और तीसरे बच्चे को भी मारने का उसने प्रयास किया। वहीं जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने साजिद की पत्नी से इसे लेकर सवाल किया तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। टाइम्स नाउ नव भारत लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है इस पूरे मामले में। परत दर परत जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नया खुलासा हो रहा है। अभी एक्सक्लूसिव हम आपको एक और कड़ी से मिलाते हैं। सना हमारे साथ हैं, ये साजिद की पत्नी है जिसके बारे में साजिद ने कहा था कि वो उनकी इलाज के लिए, उनकी प्रेगनेंसी के लिए 5,000 रुपए लेने के लिए उनके घर पे जा रहा है। वो पत्नी देखिए हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल फिट है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इन्हीं सना का नाम लेकर साजिद जो है वो घर के अंदर गया था और इन्हीं की जो प्रेगनेंसी है, इनकी जो बीमारी है, उनको लेकर 5,000 रुपए की डिमांड की थी। इन्हीं से हम बात करते हैं। सना, कोई बीमारी आपको, कोई परेशानी आपको? ना, कुछ नहीं। कोई परेशानी, कोई बीमारी? कोई परेशानी नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि आप मां बनने वाली हैं, ऐसा है? ना। तो आखिर साजिद कैसे बोल रहा था कि आपकी बीमारी का बहाना लेकर वो गया और 5,000 रुपए मांगे? हमें क्या पता, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कब बात हुई थी आपकी साजिद से? 8 दिन पहले हुई, तब से हुई ना। 8 दिन पहले आपने साजिद से बात की? हाँ। क्या बोला था उसने? हाँ, आज के दिन हुई। आज के दिन पिछले सप्ताह क्या बोला था साजिद ने उस वक्त? क्या बोला था, इसी पूछ लेते, खैर सल्ला, खाना खा लिया, ठीक हो बस, अब कोई बात नहीं। उसके बाद कोई बातचीत नहीं? कोई बात नहीं। आप यहाँ अपने मायके में कब आई? मायके में 15 दिन हो गए। 15 दिन पहले आप साजिद के साथ घर पे थी। कभी उस दौरान इन दोनों बच्चों का जिक्र आया हो या परिवार का जिक्र आया हो या संगीता ब्यूटी पार्लर का जिक्र आया हो? कुछ ना, कुछ ना। कभी भी कुछ ना, कुछ ना। पैसे को लेकर कोई तंगी वंगी? ना। घर परिवार ठीक चल रहा था? हाँ। पैसे वो कमा रहा था साजिद? हाँ। बालों की दुकान ही हुई, काम करते थे। अपनी दुकान थी या किराए पे था? अब किराए पे ही। किराए पे। और दोनों भाई काम करते थे, साजिद जावेद या कोई और भी था? जी, दोनों जने करते थे और कोई नहीं करता। और कोई नहीं करता था। कोई आर्थिक तंगी, पैसे को लेकर कोई दिक्कत? ना, कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं? ना। कभी पैसे को लेकर कोई विवाद के बारे में साजिद ने बताया हो? ना, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं बताया उनने। कोई तंत्र विद्या या इस तरीके से कोई? ना। कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं? कुछ नहीं कर। दो मासूम बच्चों को खोने के बाद परिवार बदहवास है। बदायूं से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस जघन्य हत्याकांड की चर्चा है। साजिद के एनकाउंटर के बाद पुलिस जावेद की तलाश में जुटी हुई है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ स्वदेश।